हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल आर गुड। ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4। ये काफ़ी एक डिमांडिंग कार है फ्रॉम टोयोटा। कार कितना वैल्यू फॉर मनी है और कितना हेल्पफुल है और क्या क्या फीचर्स है और कितना डिफरेंस है दूसरे जो इसका राइवल्स है, जैसे MG ग्लॉस्टर है और स्कोडा कोडियक है, बहुत सारा राइवल्स है, तो उसके मुकाबले ये कार कितना वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। और ये टोयोटा का प्रोडक्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर वन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी होते हैं। बात करते हैं इस कार के बारे में एंड पूरा डिटेल्स मेंशन करूंगा, ओवरऑल डिटेल रिव्यू होगा एंड प्राइस फीचर्स ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो पे कवर होगा। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। खड़गपुर पालको टोयोटा में आप आइए, यहाँ पे टोयोटा की और भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स है, आप लोग आके चेकआउट कीजिए। इसमें आपको 7 डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं। दो कलर आते हैं व्हाइट के ऊपर, ब्लैक के ऊपर दो आते हैं, एक ये वाला कलर एंड ब्राउन, ब्रोंज और सिल्वर। इसमें बहुत सारा सेफ्टी फीचर्स भी अपन को देखने को मिलते हैं। क्या क्या? व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विथ ब्रेक असिस्ट, फिर हिल होल्ड कंट्रोल असिस्ट, ट्रक्शन कंट्रोल, 7 स्टैंडर्ड एयर बैग भी अपने को मिल जाते हैं, फिर आइसोफिक्स फॉर चाइल्ड सेफ्टी, ABS विथ EBD, ये भी फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, स्पीड ऑटोलॉक विथ इमरजेंसी अनलॉक सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल, 40,30,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है इन वेस्ट बंगाल, बट इसका जो ऑन रोड प्राइस है इन टोयोटा पालको खड़गपुर लोकेशन वो है 43,81,000। तो फ्रंट से कार देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है और काफ़ी एक मस्कुलर सा लुक इसमें देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको टोयोटा की लोगो काफ़ी बड़ी साइज में देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें ब्लैक कलर में जो इसका ग्रिल आते हैं फ्रंट में, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। आपको दो क्रोम का फिनिशिंग मिल जाते हैं हेडलाइट के साइड में, जो और भी इसका डिज़ाइन एलिमेंट को और भी अच्छे से इंक्रीज कर लेता है। फ्रंट जो बम्पर है, बम्पर सिल्वर कलर फिनिशिंग के साथ आते हैं एंड उसी के बगल में आपको फॉग लैम्प का भी सेटअप देखने को मिल जाते हैं, वो LED सेटअप है, और जो हेडलैम्प यूनिट है वो भी आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी तगड़ा बोनेट देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको वाइपर का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। 479.5 सेमी इसका लेंथ है, विड्थ जो है उसका है 185.5 सेमी एंड हाइट जो है 183.5 सेमी एंड इसका जो व्हील बेस है 274.5 सेमी। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी है क्योंकि 225 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस अपन को देखने को मिल जाते हैं एंड इसमें जो फ्यूल टैंक यूज़ होता है वो 80 लीटर की होती है और वो काफ़ी बड़ा होता है और 7 सीटर कार है बेसिकली। और इसका जो माइलेज है कंपनी क्लेम करते हैं 14.2 KMPL का, जो अच्छी खासी माइलेज है। R18 का अलॉय व्हील्स आप उनको देखने को मिल जाते हैं और चारों टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाते हैं और काफ़ी बड़ी साइज है। और बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो गैप है क्लैडिंग के साथ, इसका जो टायर का गैप है काफ़ी गैप है क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी है, इसीलिए ज़्यादा गैप दिया गया है। इसमें आपको क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिल जाते हैं, क्रोम का फिनिशिंग इस साइड में भी आपको क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिल जाते हैं। बड़े से एक विंडो जो अंदर से इसका विजिबिलिटी बाहर में आएगा, ड्राइवर साइड में भी मिलता है और पैसेंजर साइड में भी देखने को मिल जाते हैं, और इस साइड में रेयर साइड में यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा विंडो देखने को मिल जाता है जो काफ़ी बड़ा है। और इस साइड में दोनों साइड में आपको दो फुट रेस्ट जो है वॉरबीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वॉरबीएम है, बॉडी कलर के साथ आते हैं। और यहाँ पर जो इंडिकेटर्स है ये भी आपको LED में देखने को मिल जाते हैं। डोर की अगर बात किया जाए तो सेंसिंग का ऑप्शन भी आप उनको देखने को मिलते हैं और चाबी से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। रेयर की अगर बात किया जाए, शार्क फिन एंटीना के साथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एक ब्लैक कलर में स्पॉयलर भी आते हैं और इस वेरिएंट में जो टॉप वेरिएंट है इसमें वॉश वाइपर एंड डिफोगर तीनों का प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। बीच में टोयोटा की अच्छी सी एक लोगो, फॉर्चुनर की बैजिंग एंड उसी के साथ आपको दो साइड में LED सिस्टम वाला आपको दो बैक लाइट का सिस्टम भी देखने को मिल जाते हैं और नीचे आपको फॉग लाइट एंड रिफ्लेक्टर दोनों का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। नीचे आपको रेयर टायर दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में E Sigma 4, दैट मीन्स ये 4x4 है इसलिए प्लेसमेंट भी इधर किया गया है। बूट आप ओपन कर सकते हैं की के हेल्प से, सो मैं दिखा देता हूँ इसका की कैसा है। सो फर्स्ट
कि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे टोयोटा की लोगो और क्या क्या है, लॉक है, अनलॉक है, और ये है बूट। तो इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करने के बाद भी आपका बूट ओपन हो जाता है। इस साइड में फॉर्चूनर की एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे इसको ऑफ ऑन करने का भी आपको प्लेसमेंट दिया गया है। यहाँ पे एक बटन दिया गया है, इस बटन को आपको पुश करना है तो ऐसे आवाज़ आएगी और आपका बूट भी ओपन हो जाएगा। तो बूट अच्छा खासा बूट है, और बूट आपको साइज मिल जाता है 296 लीटर की बूट स्पेस मिल जाते हैं। और यहाँ पे ये जो रेयर सीट है, इस सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद ये चला जाएगा तो आपको जो बूट स्पेस मिलेगा वो और भी बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो हेडरेस्ट है ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और बूट कुछ ऐसे देखते हैं। और यहाँ पे दो हुक मिल जाते हैं, यहाँ पे एक हुक और इस साइड में एक हुक देखने को मिल जाते हैं। सो काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, इस बटन को प्रेस करके रखना है, छोड़ देना है तो फिर ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और यहाँ पे दो लाइट भी, नंबर प्लेट लाइट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डोर कुछ ऐसे ओपन होते हैं, पूरा तो 90 डिग्री ओपन नहीं हो पाता है लेकिन ऐसे ओपन होते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल का लेदर रैप का यूज़ किया गया है, उसी के साथ यहाँ पे डीप ब्राउन कलर का कुछ स्ट्रिप मिल जाता है, इनसाइड ओपनर मिलता है, फिर ये पावर विंडो का कंट्रोल इधर भी मिल जाता है, बॉटल होल्डर, आपको एक स्पीकर का प्लेसमेंट मिलते हैं, और ये कुछ आप रख सकते हैं, और यहाँ से आप इनसाइड इसको बंद करेंगे। सो लेट्स एंटर इनटू द रेयर केबिन एंड देखते हैं ये कितना कंफर्टेबल है। सीट की अगर बात किया जाए तो सीट लेदर रैप में आते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, नी स्पेस काफ़ी अच्छी नी स्पेस माना जाता है, मेरा हाइट 6 फीट है तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और उसी के साथ ये आपको कुछ कप होल्डर रखने का प्लेसमेंट भी दिया गया है। इसको बस प्रूस कर ये चला जाएगा, फिर ये बंद हो जाता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, और सेकेंड पैसेंजर जो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसका भी सीट बेल्ट यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल का पोजीशन भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दिया गया है, एंड इसी के साथ राइट साइड में भी एक है, और इधर लेफ्ट साइड में भी एक है, और राइट साइड में इधर भी एक है। और उसी के साथ सीट का कंफर्ट भी अच्छा है, अंदर थाई सपोर्ट जो है, ये थाई सपोर्ट काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छा खासा हेड रूम भी आप उनको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको लाइटिंग का भी प्लेसमेंट दिया गया जो एलईडी में आते हैं, और यहाँ पे जो फ़ैन है वो ऑटो ऑफ ऑन करने का, फिर ये एसी का भी प्लेसमेंट इधर दिया गया है, इस साइड में भी प्लेसमेंट मिल जाते हैं। और इस साइड से अगर मैं दिखाऊँ तो इसका डैशबोर्ड कुछ ऐसे देखते हैं, जो काफ़ी सुंदर सा डैशबोर्ड है आप देख सकते हैं। चलते हैं इसका डैशबोर्ड में एंड क्या क्या फंक्शन है वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ड्यूअल टोन कलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे है ये आपको लेदर रैप में मिल जाते हैं, फिर ये बटल होल्डर और स्पीकर ट्विटर का प्लेसमेंट मिल जाते हैं, साइड ओपनर, फॉर ये आपको चारों पावर विंडो का कंट्रोल भी इधर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपका ORBM का भी कंट्रोल इधर से आप कर सकते हैं। फ्रंट जो डैशबोर्ड है उसका लुक कुछ ऐसे आते हैं, काफ़ी सुंदर सा लुक है, काफ़ी अच्छी लुक है, क्योंकि देखने में गाड़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं और काफ़ी तगड़ी रोड प्रेजेंस है। और यहाँ पे एक चीज़ है, एक ग्रैब हैंडल दिया गया है इसलिए क्योंकि लंबी गाड़ी है तो फिर उठने में तकलीफ ना हो, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का भी पोजीशन इधर दिया गया है, आप देख सकते हैं इस साइड में ABC का कंट्रोल है, और यहाँ पर बहुत सारा कंट्रोल्स है, जैसे इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल, AC वेंट का ऑप्शन, फिर आपको बहुत सारा कंट्रोल्स इधर भी देखने को मिल जाएगा, फॉर ये फ्यूल लीड, बोट ओपन करने का प्लेसमेंट इधर से भी है। और सीट की कंफर्ट की अगर बात किया जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल एक सीट है, लेदर रैप में आते हैं। पहले केबिन से बाहर का विजिबिलिटी देखो, क्योंकि कोई अगर इसको ड्राइव करते हैं तो जो बोनेट है वो बोनेट अच्छे से विजिबल होता है, राइट एंड लेफ्ट करने का वो भी अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैसा है, जैसे इसका डैशबोर्ड जो ये वाला जो प्लेस है, ये प्लेस प्लास्टिक में दिया गया है, और यहाँ पे लेदर का भी कुछ काम किया गया है, और इसमें 7 एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारा एयरबैग का पोजीशन है, मैं बाद में दिखाऊंगा। और इस साइड में, रेयर साइड में भी जो ये जो सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है। पहले स्टार्ट करते हैं इसको, एक बार आप ऑन करेंगे फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम,
टू टाइम ऑन करने के बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ ऐसे परफॉर्म करते हैं जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। ये आपका आरपीएम मीटर और ये आपका स्पीडोमीटर, और यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह, कुछ सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या क्या है, मेल फंक्शन, फ्यूल इंडिकेशन, बहुत सारा फीचर्स दिया गया है। और यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, ये आपको प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा, मतलब ये काफ होल्डर है तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी एसी फैन मिलते हैं, फॉर एक म्यूजिक सिस्टम हैजर लाइट का पोजीशन इधर मिल जाते हैं, फॉर ये आपका हो गया एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वाला सेटिंग्स, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे एसी का कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, फॉर एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट। तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियर है, तो ये गियर सिस्टम है, और यहाँ पे वुडन का फिनिशिंग कुछ दिया गया है, ये आपका ब्रेक लीवर है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी बड़ा आर्मरेस्ट है क्योंकि जो ड्राइवर है वो भी यूज़ कर पाएगा, और जो पैसेंजर है, को पैसेंजर है, वो भी आराम से यूज़ कर पाएगा। इससे स्लाइडिंग नहीं है, ये ओपन है, और यहाँ पे आप कुछ सामान को कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे इको मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, हिल होल्ड असिस्ट और IMT का भी स्विच इधर मिल जाते हैं, और उस साइड में भी आपको एक स्पीकर का प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं, और एक ट्विटर का भी उधर मिल जाते हैं, और एसी वेंट है, और ये आपका छोटा सा ग्लोव बॉक्स इधर है, और इसको बंद कर देते हैं, और इस साइड में आपको बड़ा सा ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं ये वाला, तो इसको भी बंद कर देते हैं। सो ये था इसका इंटीरियर, और यहाँ पर आप देखो ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों में आते हैं, टॉयोटा के बीच में लोगों, एयरबैग का प्लेसमेंट इधर है, और इस साइड में म्यूजिक सिस्टम का कंट्रोल, कॉल्स का कंट्रोल, फिर म्यूजिक सिस्टम वॉल्यूम्स का कंट्रोल इस साइड में, लेफ्ट साइड में दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल का प्लेसमेंट इधर है, और ये है आपका वाइपर का कंट्रोल, और यहाँ पे लाइटिंग का कंट्रोल दिया गया है। तो ये था इसका इंटीरियर, और एक चीज़ मैं भूल गया, फिर यहाँ पे ये आपको टिकट होल्डर ये भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और उसी के नीचे देखो लाइट है, ऑटोमेटिक जलता है, ये अच्छी बात है, हैलोजन में आया। और यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है सेटिंग्स, ये आपको LED में मिल जाते हैं, और ये लैंप है, और ये आपका सन होल्डर, और फिर आपको वैनिटी मिरर इधर देखने को मिल जाते हैं, और वो वाला लाइट ऑटोमेटिक नहीं है, वो जलेगा। तो उसके बाद ये जो आपका IRVM है, ये IRVM ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटो का प्लेसमेंट इधर दिया गया है। तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी जो को पैसेंजर सीट है, यहाँ पे भी आपको एक सेंसर का ऑप्शन मिल जाते हैं, फिर इसको ओपन करना है। तो ये जो को पैसेंजर वाला सीट है, ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, उसका भी प्लेसमेंट है। टोयोटा की बैजिंग इधर फुटरेस्ट में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एयरबैग का पोजीशन है, इसको ऑन ऑफ वगैरह आप कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वॉक अराउंड डिटेल्ड रिव्यू फॉर दिस टोयोटा फॉर्चूनर 4x4। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा है, एंड कैसे लगा मुझे कमेंट करके बोलिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।